आज के वीडियो में Vivo V15 Pro के अलग फीचर्स देखेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके रिलेटेड, 5 हिडन सेटिंग्स मैंने बताया है, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखकर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड वैसे ही कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में और 5 सेटिंग्स देखेंगे हम Vivo V15 Pro से क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, एंड वैसे लाइक एंड शेयर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, सपोर्ट होगा हमारे चैनल को। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे Vivo V15 Pro के स्मार्ट फीचर्स। जी हाँ, आपका Vivo V15 Pro स्मार्ट भी है और स्मार्ट तरीके से भी काम करता है। तो स्मार्ट फीचर्स जाने के लिए फर्स्ट इसको एनेबल करना पड़ता है, तो इसके वजह से आपको सेटिंग्स पर जाना है। एंड ऐसे स्क्रॉल करेंगे आप नीचे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्मार्ट मोशन, स्मार्ट मिररिंग है, स्मार्ट स्प्लिट है एंड स्मार्ट क्लिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मार्ट मोशन। तो यहाँ पर स्मार्ट वेक, स्मार्ट टर्न एंड ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, ये सारा चीज़ क्या है, कैसे वर्क करता है, मैं सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको। तो सबसे पहला है स्मार्ट वेक, मतलब कि जैसा नाम है, मतलब कि यहाँ पर जो जेस्चर्स है, ई को लॉन्च ब्राउज़र, डब्ल्यू को लॉन्च व्हाट्सएप, मतलब आप जब भी स्क्रीन पर रहेंगे ना ऐसे, लॉक स्क्रीन पर है। अभी इंस्टेंटली अगर आप व्हाट्सएप को ऑन करना चाहते हैं तो जस्ट डब्ल्यू पर ऐसे करना है। देखिए डब्ल्यू झट से रिकग्नाइज होके आपको इंस्टेंटली व्हाट्सएप ओपन हो चुका है। तो वैसे ही स्लाइड अपवर्ड टू अनलॉक, इवन अनलॉक करने के लिए डिवाइस, तो स्लाइड अपवर्ड ऐसे कर सकते हैं आप, डायल सी, मतलब कि सी ड्रा करेंगे तो डायलर ओपन होगा। म्यूज़िक ओपन करने के लिए इंस्टेंटली आप एम ऐसे ड्रा करेंगे तो इंस्टेंटली म्यूज़िक एप्लीकेशन ओपन होगा। ऐसे आप स्मार्ट तरीके से कोई भी यहां पर जो मेंशन किया है उन एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए, तो यहां से आप इस चीज़ को एनेबल करके ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो अगला फीचर है स्मार्ट टर्न ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, मतलब कि जब आप फ़ोन टेबल पर रखे होंगे तो ऐसे उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैक होके फेस तो रिकग्नाइज करेगा, या फिर आप अनलॉक कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। तो ऐसे जल्दी से यूज़ करने के लिए मोबाइल आप इस चीज़ को हमेशा एनेबल करके रखिए। वैसे ही डबल क्लिक टू लाइट, मतलब कि डबल टैप टू बैक जो अदर फोन्स में है वैसा ही इन्होंने डबल क्लिक टू लाइट करके दिया है। मतलब कि अभी हम लॉक स्क्रीन पर है तो मैं डबल टैप करूँगा स्क्रीन पर, तो देखिए लॉक स्क्रीन पर चले जाएंगे इंस्टेंटली। तो ऐसे आप इंस्टेंटली ओपन कर सकते हैं मोबाइल को। अगर आप फेस रिकग्निशन दिए हैं तो इंस्टेंटली क्या होगा कि जब आप मोबाइल टेबल से ऐसे उठाएंगे तो वो फेस डिटेक्ट करने लगेगा एंड इंस्टेंटली अनलॉक भी करेगा अपने फ़ोन को। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्मार्ट कॉल है, मतलब यहाँ से स्मार्ट कॉल, स्मार्ट आंसर, स्मार्ट स्विच, स्मार्ट म्यूट ओपन रखता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली अगर कॉल आता है, अभी इनकमिंग कॉल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा टेबल से ऐसे मोबाइल को उठाऊँगा तो ऐसे पकड़ने के लिए जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली वो आंसर करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप स्मार्ट तरीके से कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं क्विकली। तो ऐसे करने के लिए यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, ये तो पता ही होगा आपको, ऐसे मोबाइल को शेक करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन होगा, तो उसके लिए यहाँ से ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा। तो स्मार्ट रिमाइंड, कोई भी नोटिफिकेशंस रहता है तो रिमाइंड करेगा वो। तो ये स्मार्ट फीचर स्मार्ट मोशन यहाँ से है। नेक्स्ट है स्मार्ट मिररिंग, जैसा कि नाम है मिररिंग करना चाहते हैं अपने टीवी पर हो या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, यहाँ से आप वीडियो मिररिंग, इमेज मिररिंग, म्यूजिक मिररिंग, यहाँ पर सर्च फॉर सपोर्टेड डिवाइस से टैप करेंगे तो अपना डिस्प्ले यहाँ पर आएगा, तो उस डिस्प्ले पर आपको टैप करके ऑन करना है। एंड वैसे आप स्क्रीन मिरर भी कर सकते हैं यहाँ से एनेबल करके, तो ऑटोमेटिकली वो वाईफाई से अपना जो टीवी रहता है वो डिटेक्ट करके यहाँ पर नंबर दिखाई देगा, मॉडल नंबर, जस्ट टैप करना है, स्मार्ट मिररिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट है स्मार्ट स्प्लिट, स्मार्ट स्प्लिट मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग, तो मैसेज कर रहे हैं किसी के साथ तो आप इंस्टेंटली कुछ और ब्राउज करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट ब्राउजर से कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी से देखना चाहते हैं, तो ऐसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट स्प्लिट। एंड जनरली जो है स्क्रीन स्प्लिट करने के लिए यहाँ से मैनुअल पे जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा ना, तो जस्ट ऐसे स्वाइप करेंगे तो अगर वो ऐप सपोर्ट होता है तो इंस्टेंटली स्क्रीन स्प्लिट होकर आपको आएगा। देखिए क्योंकि ये सेटिंग्स पर है अभी हम, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेट्स से कि मैंने इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन किया है तो यहाँ से ऊपर से ऐसे 3 स्वाइप करता हूँ तो स्प्लिट कर चुका है अभी, तो इसके साथ, इस ब्राउज़र के साथ मैं व्हाट्सएप ओपन कर सकता हूँ या फिर कोई अदर एप्लीकेशंस को ऐसे ओपन कर सकता हूँ। आप इवन रिसाइज कर सकते हैं ऐसा, मतलब कि व्हाट्सएप के लिए कितना जगह चाहिए, वैसे आप स्प्लिट करके
यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्क्रीन स्प्लिट, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो बेसिकली मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स रिकमेंडेड यहाँ पर दिया है, मतलब कि कौन से ऐप्स सपोर्ट करेंगे स्क्रीन स्प्लिट को, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो अगला फीचर है स्मार्ट क्लिक, यहाँ पर लास्ट में है सेटिंग्स में स्मार्ट क्लिक। तो ये बेसिकली वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप टैप करके होल्ड करके रखेंगे, मतलब प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, तो इंस्टेंटली यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी ऐप्स हो वो आप झट से ओपन कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मतलब कि मान लीजिए अभी मैंने ऐसे मोबाइल को लॉक किया, तो यहाँ से अगर मैं फेसबुक ओपन करना चाहूँ तो वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो इंस्टेंटली फेसबुक ओपन हो जाना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे इंस्टेंटली कोई भी ऐप्स, कुछ भी आप ओपन करने के लिए या फिर फ्लैश लाइट रखने के लिए, यहाँ से आप इस चीज़ को एनेबल करना है, स्विच ऑफ रहेगा, स्विच ऑन करना है, एंड ऑन करने के बाद जो आपको पसंद है वो रख सकते हैं। किसी का ऑडियो अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं झट से बिना ओपन किए मोबाइल को, तो आप सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन को टैप एंड होल्ड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको रिकॉर्ड ऑडियो पर टिक करना है ऐसा। तो ऐसे आप स्मार्ट तरीके से अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही स्मार्ट जो भी बटन है, मतलब ऐसे जो कार्ड्स रहता है, तो इस चीज़ को एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है एंड यहाँ से लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन, एंड यहाँ से आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स पर सर्कुलर स्लाइडर, मतलब यहाँ स्मार्ट लॉन्चर जो है इसको एनेबल करना है स्मार्ट लॉन्चर को। तो यहाँ पर जो फोर्थ यहाँ पर है स्लाइड, तो ये वाला है स्मार्ट स्क्रीन, मतलब कि जो भी ये स्मार्ट असिस्टेंट जो वीवो का है वो बेसिकली क्या करेगा, कुछ आपके लिए हेडलाइंस हो, कुछ न्यूज़ हो या फिर कुछ इवेंट्स हो, कुछ रिमाइंडर्स हो, यहाँ से आपको अगर इंटरनेट यूज़ करेंगे तो यहाँ से अपडेट होगा। देखिए जैसे टेम्परेचर्स अपडेट होता है, वैसे आप स्पोर्ट्स ये हो या फिर कितने स्टेप्स लिए हैं मोबाइल को यूज़ करके, कैलोरीज कितना बर्न किया है, ये सारा चीज़ आप यहाँ से जान सकते हैं। एंड यहाँ से इंस्टेंटली आप कुछ शॉर्टकट भी रख सकते हैं अपने को, जो चाहिए वो शॉर्टकट यहाँ से आप ऐड मोर ऐप्स करके हैं तो इंस्टेंटली कुछ ऐप्स ओपन करने के लिए यहाँ से रख सकते हैं। तो क्या होगा कि बेसिकली आप होम स्क्रीन पर हैं तो ऐसे स्वाइप करेंगे तो इंस्टेंटली वो ऐप भी एक्सेस कर सकते हैं आप। तो कैलकुलेटर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं स्पेस, तो एक ही बटन टैप करके अपना जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा, एंड ये सारा चीज़ जो है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। स्पीड अप है, सिंगल टैप स्पीड अप, तो रैम 242 MB रैम क्लियर कर चुका है, ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है स्मार्ट फीचर्स है वीवो में, तो इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो हिट दैट लाइक बटन। ढेर सारे ऐसे वीडियोस बनाए हूँ वीवो V15 Pro का या फिर इन जनरल मोबाइल फोटोग्राफी रिलेटेड, तो ज़रूर देखिए उन वीडियोस को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।